नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल क्रिप्टो राठौर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो बैन बैंकिंग सेक्टर पर लगा हुआ है क्रिप्टो करेंसी के लेन देन के रिगार्डिंग, उसके ऊपर बिटकॉइन की जो हियरिंग थी RBI की और अदर बैंकों की, तो सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा है, क्या डिसीजन दिया है उसके बारे में। RBI ने जो बैन लगा रखा है क्रिप्टो करेंसी के लेन देन के लिए, तो चलिए दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट की आज हियरिंग थी, जो भी क्रिप्टो पिटीशन फाइल कर रखी थी RBI के बैन के अगेंस्ट, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी कुछ कहा है। तो पिटीशन जो फाइल कर रखी थी उसमें जो क्रिप्टो बैंकिंग का जो बैन लगा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, उसको चैलेंज किया गया था। जो 5 पिटीशन डाल रखी थी उनके द्वारा आज हियरिंग थी, और हियरिंग में जो क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेशन करने के लिए पिटीशन फाइल की थी उसके बारे में अभी कुछ डिसीजन फाइनल निकल करके नहीं आया, उसमें अभी टाइम लगेगा। और सुप्रीम कोर्ट की जो 20 जुलाई की जो हियरिंग थी वो आज हो गई है कंप्लीट, और इससे पहले कि जो काफ़ी टाइम से वेट हो रहा था कि जो क्रिप्टो बैंकिंग बैन है RBI ने जो लगा रखा है सेंट्रल बैंकों के ऊपर, फाइनली आज जो 3 जुलाई को लास्ट हियरिंग हुई थी उसके ऊपर आज डिस्कस हुआ है, लिमिटेड डिस्कस हुआ है। जैसे कि जो मोबाइल कंपनी है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMI ने पिटीशन फाइल कर रखी थी, इसके साथ में 4 पिटीशन और फाइल थी यूनोकॉइन, जैपे और 2 एक्सचेंज और है, उन्होंने भी फाइल कर रखी थी क्रिप्टो रेगुलेशन के लिए, और बिटकॉइन का जो बैन लगा रखा RBI ने बैंक सेंट्रल बैंकों के ऊपर वो हटाने के लिए। तो आज जो है वो रिस्पोंड हुआ है IAMI की तरफ से, लिमिटेड डायलॉग्स हुआ है और जितने भी जो आर्गूमेंट हुए हैं वो ज़्यादा नहीं हुए, लिमिटेड हुए हैं। तो इसके लिए जो RBI की तरफ से जो लॉयर्स थे, जो डिबेट हुआ है सेंट्रल बैंकों का जो बैन का जो मुद्दा है वो आज उठा है, और उसका जो रिजल्ट है वो यह निकल के आया है कि अभी एक डेट और मिल गई है तारीख पे तारीख, जैसा कि आप सबको पता है। तो नई तारीख जो 11 सितंबर मिली है, और जो लिमिटेड आर्गूमेंट हुए हैं वो इन द बिहाफ ऑफ IAMI एंड RBI के बीच में हुआ है, बाकी के पिटीशन करता है वो आज आए नहीं, ठीक है। और अनदर हियरिंग की जो डेट है वो मिल गई है 11 सितंबर की, और जितने भी 5 रिट जो पिटीशन फाइल कर रखी थी RBI के बैन के अगेंस्ट, उसमें SEBI और IAMI और 3 एक्सचेंज और थी, ठीक है। जो भी रिमेनिंग पार्टी है उनको 4 वीक का टाइम दिया गया है अपना रिप्लाई करने के लिए कि बैन के रिगार्डिंग वो क्या देखती हैं और कैसे रेगुलेशन किया जाए और किस आधार पे वो उसको चैलेंज कर सकती है RBI ने जो बैन लगाया हुआ है क्रिप्टो करेंसी के लेन देन के लिए सेंट्रल बैंकों पर। तो दोस्तों 11 सितंबर की तारीख निर्धारित की गई है, और उस दिन जजमेंट का डे हो सकता है पॉजिटिव न्यूज आए, सुप्रीम कोर्ट RBI के द्वारा बिटकॉइन को रेगुलेट किया जाए, और जो चैलेंज किया गया था वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आर्टिकल 19(1)(a)(1)(g) और 14 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि एक फंडामेंटल राइट्स है किसी भी इंडियन सिटीजन को, वो अलाउ करेगा कि राइट टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस, आप अपना कोई भी ऑक्यूपेशन ट्रेड या बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, यह हर भारतीय को अधिकार है कि वो अपना कोई भी बिजनेस ट्रेड या बिजनेस स्टार्ट कर सकता है आर्टिकल के द्वारा, ठीक है। तो इसको चैलेंज किया गया था, और इसके बैन के बाद भी पीयर टू पीयर सर्विस अभी इंडिया में चल रही है, जैसा कि सेंट्रल बैंकों के ऊपर बैन लगा दिया बिटकॉइन ने इंटरचेंज करने के लिए, तो कॉइनएक्स एक्सचेंज ने पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी काम करती है, इसके अंतर्गत जितने भी इसके रजिस्टर्ड यूज़र है वो आपस में INR और BTC एक्सचेंज कर सकते हैं, एक को INR चाहिए एक को BTC चाहिए, तो वो आपस में एक दूसरे के अकाउंट में वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना किसी थर्ड पार्टी के, एक दूसरे के बैंक अकाउंट में INR ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसको INR चाहिए वो BTC लेगा, BTC चाहिए वो INR ट्रांसफ़र करेगा एक दूसरे के अकाउंट में। और इन सब को देखते हुए अभी यह बैन लगा हुआ है, लेकिन पीयर टू पीयर नेटवर्क के द्वारा बिटकॉइन का जो लेन देन है वो काफ़ी जोर शोर से चल रहा है, और Ethereum और Ripple का भी नेटवर्क बिना किसी ट्रांजैक्शन फीस के द्वारा चल रहा है। लास्ट वीक सबसे बड़ी एक्सचेंज अभी बनने जा रही है Wajirex ने पीयर टू पीयर सर्विस लॉन्च कर दी है, जिसमें इसके 125,000 यूजर्स हैं जो कि डेली बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं और मनी का एक्सचेंज करते हैं पीयर टू पीयर
द्वारा, और क्वाइन डेल्टा इज आल्सो प्रिपेयरिंग टू लॉन्च पीयर टू पीयर। थर्ड एक्सचेंज जो है क्वाइन डेल्टा है वो भी लॉन्च करने जा रही है। तो दोस्तों दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बाई बिटकॉइन बिकॉज अभी ETF का अप्रूवल होने वाला है। अगर ETF का अप्रूवल हो गया तो बिटकॉइन का जो रेट है वो काफ़ी हद तक सरप्लस जाएगा, मोर देन $14,000, 14 to 18,000 डॉलर। तो दोस्तों आशा करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइज़।